गौरी दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसे कोई दिमागी परेशानी है। और हमारी मानो तो तुम्हें उसे मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या बोल रही है? एक मिनट शांति से हमारी बात सुन लो, फिर फैसला तुम्हारा है। सर गौरी समझती है उसकी मरी हुई बच्ची खुशी जो इतने ऊंचाई से नीचे गिरी थी वो जिंदा है, और वो शिवांशी है। शिवांशी जो एक लावारस बच्ची है, पता नहीं कहां से आई है। ये पागलपन की निशानी नहीं है तो क्या है बताओ? वो एक बहाना ढूंढ रही थी और शिवांशी में उसे वो बहाना नजर आ गया। ये तो है ही, साथ में वो काव्या के सामने शिवांशी को इतना प्यार देती है, काव्या तड़प जाती है उस प्यार के लिए। काव्या को डांटती है, हाथ उठाया उसने काव्या, हमने काव्या को पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारा दिल दुखता है ये सब देखकर। हम काव्या के लिए ये सब कह रहे हैं, हमारी बात समझो, डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं। मैं गौरी से बात करके आता हूँ, क्या पता बात करके उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा बेटर महसूस करे। मैं आता हूँ मॉम। वाह दीदी, अचानक के बुद्धि पाई हो आप। हम तो कहते हैं ना आप राजनीति में कूद जाओ, मंत्री का पद तो एकदम फाइनल है, फाइनल है। पहले खुशी को निकाला, अब गौरी को निकालने के चक्कर में आओ। गए आपकी बुद्धि को है ना। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। शकुंतला देवी के लिए कुछ अशुभ नहीं, क्योंकि हमें हमारी किस्मत को अपने मुट्ठी में रखना आता है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। शिवांशी गई है, गौरी जाएगी, और फिर हम गर्भ की शादी अपने पसंद की लड़की से करवाएंगे जो हमारे काबू में हो, और फिर सारा साम्राज्य हमारे काबू में। लेकिन बहना, सड़क छाप लड़की की मौसी महुआ तुम्हारा प्लान खराब कर सकती है। हाँ, मतलब हम तो ये इसलिए कह रहे हैं कि महुआ भी जिंदा है। जब तक हम उस महुआ के बारे में कुछ सोच नहीं लेते, तब बांध के रखो उसको वहीं पर, पति जल्द उसे भी ठिकाने लगा देंगे। अभी खाना खाओ। कृपशी हम नहीं खाएंगे खाना। क्यों नहीं खाएंगे? पता नहीं हमारी बच्ची ने वहाँ कुछ खाया भी होगा या नहीं। हमारी होश में आओ। उसके साथ उसके माँ बाप यानी गंगा योग है ना, उसे खाना खिलाने के लिए। बेटी काव्या के बारे में सोचो, उसके बारे में क्यों नहीं सोचती हो तुम? पता नहीं उस शिवांशी के बारे में इतनी पागल क्यों हो जा रही हो तुम? मत बुरी गर्भ जी, उस लड़की की वजह से ही हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उस लड़की की वजह से हमने जिंदगी फिर से जीना सीखा, और आपने उसे ही हमसे दूर कर दिया। खुशी के बिना हमारे जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, हमें अपनी जिंदगी नरक लगती है। सही कह रही थी मॉम, तुम दिमागी रूप से बीमार हो चुकी हो गौरी। मुझे तुम्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चुनना तुम्हें, तुम मुझे और मेरी बच्ची काव्या को चुनती हो या उस बच्ची को? और अगर तुमने उस बच्ची को चुना ना गौरी, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। फैसला तुम्हारा है। शकुंतला देवी, तुम्हें क्या लगता है
कि तुम हमें यहाँ जिंदगी भर के लिए कैद कर पाओगी। जैसे हमें मौका मिलेगा ना, हम यहाँ से भाग जाएंगे और गौरी को शिवांशी की सारी सच्चाई बता देंगे। वही वो खुशी है जिसको उसने सालों पहले खो दिया था। चुप कर। अगर तू ये ख्वाब देख रही है, तू यहां से आजाद हो जाएगी। तो ऐसा कभी होगा नहीं। काल कोठरी है ना, यही नसीब है तेरा। चुपचाप खाना खा और पड़ी रह यहां। अगर जिंदा रहना है तो गौरी मैया के पास जाने का। वैसे भी आते वक्त हमने सारे रास्ते याद कर लिए थे। मैं माफ कर देना बड़ी माई, हम आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन गौरी मैया से दूर होके हमें आपसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए हम जा रहे हैं गौरी मैया के पास। हो सकता है तो मैं माफ कर दीजिए। चुनना तो मैं, तुम मुझे, मेरी बच्ची काव्या को चुनती हो या उस बच्ची को? और अगर तुमने उस बच्ची को चुना ना गौरी, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमने आपको बहुत याद किया बेटा। अच्छा हुआ हम वापस आ गए। हम आपके बिना नहीं रह सकते बेटा, बिल्कुल नहीं। नौकर भी ना, किसी को कोई काम नहीं आता, पानी तक भर के नहीं रख रहा। बेटा आपने कुछ खाया या नहीं? सर बेटा
ये सब मुफ्त खोर हैं, कोई काम नहीं करता यहाँ पर। ये भी खाली किचन में जाते हैं। ठंडा पानी पियेंगे और खांसी हो जाएगी, थोड़ा गर्म कर लेते हैं। बद्दू किचन में बेटा, अब यहीं रहना। ये क्या बदतमीजी है मालकिन? ये बदतमीजी नहीं है, आपकी सुरक्षा है। आपको गैस की बदबू नहीं आ रही क्या मालकिन? हमें लग रहा है आप नींद में हैं। आपको जाकर आराम करना चाहिए। इसको होश आए उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन ये रस्सी कैसे काटूं? ये कहाँ रह गए अभी तक? अभी तक तो इनको आ जाना चाहिए था। कहीं अनिका के पापा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं ना? हमारा मन घबरा रहा है। अगर ये फोन इसे ही बसता रहा तो इसे होश आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत फिट्टे में मिल जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। शकुंतला देवी, अब देखती हूँ मुझे सच्चाई बताने से कैसे रोकती है। दीदी क्या हुआ, इतना घबराई भी काहे है? सब ठीक है ना? अभी मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं, मरते मरते बचे हैं रसोई में। कहा कैसे? खांसी हो रही थी, हमारे रूम में पानी नहीं था, यहाँ पानी नहीं था, हम रसोई में गए, सोचा पानी गर्म करके पी ले। वहाँ पर प्यास लीक हो रही थी और हमें समझ में ही नहीं आया। हम तीली जलाने ही वाले थे कि गौरी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, वरना इतना बड़ा धमाका होता जिसमें सब खत्म हो जाता। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही गजब हो गया, गौरी ने आपका जान बचा लिया। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं आपका उपकार, आपका वो संकट वापस आ गया हो? कहीं वो लड़की इस घर में वापस आ गई हो? बिंदा तुम हमारे मन में वहम डालना छोड़ दो, लड़की जा चुकी है इस घर से बाहर और हम उसे इस घर में वापस कभी नहीं आने देंगे। लाना पड़ रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आपको बाहर लेकर जाएंगे तो घर वाले हमें आपसे फिर से दूर कर देंगे। ये गौरी मैया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझते हैं, पर हमें बहुत बुरा लग रहा है।
कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे ये तो कितनी अच्छी जगह है, हम तो सड़क पे भी सोए। गाड़ियों का बड़ा शोर आता था, यहाँ तो ना कोई शोर है और ना कहीं कोई उठाने वाला, हम तो आराम से सो सकते हैं। हम भी आपके साथ यही सोएंगे। ये गौरी कहाँ रह गई? ना कमरे में थी, ना खाना खाने आई, आखिर गई कहाँ? गर्व जी, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? मैं खाना खा चुका हूँ, सुबह से कहाँ थे तुम? अब्बा, वो दरअसल हमने आपके लिए मन्नत मांगी है ना, तो उसी के लिए सुबह उठकर जल चढ़ाने गए थे। ये इतना खाना कब से खाने लगे तुम? गर्व जी, वो हमने कल से कुछ खाया नहीं है ना, तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। हम बाद में बात करते हैं ना। वो ना हो, कुछ तो जरूरी मुझसे छुपा रही है। शिवाशी बेटा, कहाँ चले गए आप? हमने हर कमरे में ढूंढ लिया, आप कहीं पर भी नहीं मिल रहे हो। इस युग में हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं किस साल में होगी हमारी बच्ची। हेलो हेलो, गौरी गौरी, हमारी शिवानी कब आने गौरी मैया? गौरी, तूने हमारी बेटी को चुराया? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.